मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का दूसरा दिन सीमा गांव में सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम में देशी हरियाणवी अंदाज में मंच को तैयार किया गया है। गाय के गोबर और मिट्टी से मंच तैयार किया गया है। झोपड़ी बनाकर मंच को तैयार किया गया है। रेवाड़ी के मनेठी में एम्स का जल्द शिलान्यास होगा, मुख्यमंत्री ने ये कहा। 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री आश्वासन दिलाते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। ई टेंडरिंग पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग स्कीम बेहतरीन है। ई टेंडरिंग लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़ जिले में है और आज जनसंवाद का दूसरा दिन है। सीमा गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कर रहे हैं। कार्यक्रम में हरियाणवी अंदाज देखने को मिला है। हालांकि कल पहला दिन था, उस वक्त भी हरियाणवी अंदाज वहां पर देखने को मिला था, जहां पर मुख्यमंत्री जनसंवाद करने के लिए पहुंचे हुए थे। अब सीएम जगह जगह पहुंच रहे हैं और जनसंवाद। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाठोटा मडलाना में भी जनसंवाद किया है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आए सीएम। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी है और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन सीएम ने किया है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, जनसंवाद करते हुए नजर आए। जनसंवाद में आम जन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपनी समस्या सीएम को बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम का महेंद्रगढ़ में, और 3 दिनों का ये दौरा रहने वाला है उनका, जिसका आज पहला दिन कल रहा और आज दूसरा दिन है। ठाणी बठोटा मडलाना में उन्होंने जनसंवाद किया है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्या सुनते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आए। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन यहां पर सीमा गांव में फिलहाल जनसंवाद कर रहे हैं। उससे पहले ठाणी बाठोटा मडलाना में उन्होंने जनसंवाद किया। जी मैं करीब 6-7 साल एप्लीकेशन लगाया, नहीं राशन कार्ड की तो समस्या तुरंत हल हो जाएगी। इनका जरा नाम पता करके और इनको बुला के इनका राशन कार्ड का, इनकी इनकम देखो कितनी चढ़ी हुई है, क्योंकि गरीब गरीब बता रही है ये बहन। दूसरा जहाँ तक मकान का विषय है, सुनो, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने काफी मकान दिए हैं शहरों में गाँव में, लेकिन अब उसका जो दूसरा फेज है वो अब शुरू होना है। बहुत जल्दी एक एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे कि जिसको गरीब आदमी को मकान चाहिए उसके लिए मकान का नक्शा क्या होगा और क्या क्या उसको करना है, क्या हमको करना है, उसकी पॉलिसी बना के 1 लाख नए मकान बनाने की घोषणा हम कर चुके हैं, इसलिए गरीब परिवारों को मकान मिलेंगे। आमदन के हिसाब से उसका हम स्कीम बनाएंगे, जिसकी आमदन है उससे थोड़ा बहुत पैसा लेना शुरू करेंगे, जिसकी बिल्कुल नहीं है उसको अलग से करेंगे, जिसकी ज्यादा आमदन है बढ़ाएंगे उनके लिए भी, लेकिन उनसे पैसा ज्यादा लेंगे, क्योंकि जिसकी पे करने की कैपेसिटी हो। ढोरकला बताता हूँ, अभी आप बोलो पीछे। सर नमस्कार, मैं लहरोदा गांव से आया हूँ सर। हाँ, मेरे गांव में सर अब आबादी बढ़ गई तो लाल डोरे से बाहर काफी मीन्स रेजिडेंशियल इलाका हो गया और उससे 11,000 केवी की लाइन गुजर रही है सर। अच्छा, वो सर के भी नॉलेज में है और वो काफी दिन से मसला हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं विभाग को। अब तो विभाग ने पिछले हफ्ते हमें उल्टा हमें नोटिस दे दिया कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली, इसलिए मकान हटाओ। हाँ जी सर। नहीं आप ये बता दो सिर्फ ईमानदारी से कि वो लाइन पहले थी कि मकान पहले थे? सर लाइन तो उपयोग से पहले ही थी, पर मकान तो पहले थी तो मकान क्यों बनाया आपने? सर है आदमी के पास जाओ कि वही बनाए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखिए एक पब्लिक लाइफ का सिस्टम है और ये जो जो लाइनें लगी हुई हैं बिजली की, खास करके मोटी लाइनें ऊंची लाइनें, उनके नीचे तो हमको थोड़ा दाएं बाएं करना चाहिए, उतनी जगह हमको छोड़नी चाहिए। अब छोड़ने में वहाँ कोई बगीची लगानी है, कोई खेती करनी है, कोई बाग कुछ और करना है, वो उसके लिए खुला। मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, मंजिल बनाना, दुकान करना, ये उसके नीचे अलाउड नहीं है, ये इल्लीगल माना जाएगा और कोई उसमें सुविधा आपको देगा नहीं। हो सकता है बिजली वालों ने आपने आपको कनेक्शन दे दिया हो, वरना तो बिजली वालों को पहले बिजली का कनेक्शन ही मना करना चाहिए कि हमारी लाइन के नीचे कोई बैठा है तो उसको कनेक्शन नहीं देंगे। अगर तो कुछ तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। 33 केवी नहीं है सर, 11 केवी सर। 11 भी होगी तो भी उसका खर्चा काफी बैठता है, और जब आप इतनी बड़ी कॉलोनी बता रहे हैं उस सारी की सारी शिफ्ट करनी पड़ेगी, कोई एक आध मकान का तो मामला नहीं है। सरकार
सर आई थी पॉलिसी बीच में, वो उसमें कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए आई थी, लेकिन उस समय फायदा नहीं उठाया होगा आपने। हमने सर रिक्वेस्ट दी थी, विभाग ने सर कंसीडर नहीं किया, दो तीन बार अप्रोच किया। चलिए, कौन सी जगह की बात है? लहरौदा सर, पावर लिख लो इनको, और अगर कोई स्कीम आए तो उसमें का। लेकिन उसके ऊपर एक मंजिल ही है ना, दो मंजिल तो नहीं बनाया होगा? एक मंजिल ही है ना, दो मंजिल तो नहीं है? हाँ, कहीं उसके ऊपर फिर दो मंजिल बनाने का वो बैन करेंगे बिल्कुल? हाँ, तो खंबे का ऐसा करेंगे, थोड़ी लाइन तार ऊंची कर देंगे, तार ऊंची कर देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, ये बहन। हाँ, वही तो लिख के देंगे ना, वही क्या, वही क्या बोलते? हाँ, क्या करें? आप एक बार लिखिए तो वो ध्यान में आ गया, सारी चीजें टेकअप करेंगे। कोई नई बात हो तो वो बताओ। हाँ सर, ये अंडरपास जब से बना है, जब से पानी खड़ा है, इसको लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी ना हो। हर रोज गांव का जो पानी का निकासी का, गांव की निकासी का पानी है वो वहीं खड़ा रहता है, रस्ते में आएगा, और लगभग 1.5 से 2 फीट पानी रहता है। सर रास्ता चेंज कर दिया गया है आपके प्रोग्राम के कारण। ठीक है, मैं सुनो, यहाँ से बाहर जाते सवेरे छुट जाओ, अभी मैं अगला गांव मेरा है सीमा, यहाँ से खाना खा के। सर सरपंच साहब के घर जाते टाइम रास्ते में पड़ता है वो अंडरपास। मैं वही कह रहा हूँ, अगर पहले पड़ता पहले, नहीं तो बाद में उस रास्ते को देख के जाऊंगा। सर मेरी माताएं वहाँ पे, मतलब अरे सुनो, अरे हो गया, लड़ाई करनी है, नहीं लड़ाई करनी है तो फिर सुनो ना, फिर एसपी साहब मेरा रास्ता उस जो अंडरपास है जहाँ पानी भरा वहां से होकर निकालो। ठीक है, क्या खाना खाएंगे उससे? अच्छा ये सुनो, मतलब मैं खाना खाने से पहले बार जाऊं या खाना खा के जाऊं? खा के ना, तो पहले तो फिर मैं देख के निकल जाऊंगा, खाना तो फिर नहीं खिलाओगे आप? नहीं, वापस नहीं आऊंगा मैं, उधर से निकल जाएगी, फिर खाना खा के जाऊं। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो आज रास्ता देख के उसके बाद आगे जाऊंगा और उसको ठीक करें।